की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले साल ही श्वेता तिवारी ने अपने पति अभिनव कोहली के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुष्टि भी की गई और इस मामले की जांच पड़ताल भी की गई। लेकिन अब हाल ही में अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी का एक वीडियो शेयर किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। जी हाँ, इस वीडियो में श्वेता तिवारी अपने को-स्टार के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही थी। वहीं अभिनव कोहली ने जब इस वीडियो को शेयर किया तो फैंस अभिनव पर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें, इस वीडियो में श्वेता अपने को-स्टार के साथ नजर आई थी और उनके को-स्टार फहमान खान ने ये भी पूछा था कि मास्क के पीछे कौन है, पहचानिए। इसमें श्वेता और उनके को-स्टार दोनों ही फेस पर मास्क लगाए हुए थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद श्वेता तिवारी के फैंस भी भड़क उठे थे। वहीं अब श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रहा है कि क्या श्वेता और अभिनव अलग नहीं हुए हैं, क्या दोनों साथ में रह रहे हैं। लेकिन अब अभिनव कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया है कि हम अलग नहीं हुए हैं, हम एक साथ रह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूँ, आखिरकार सच क्या है ये जानने के लिए उनके फैंस काफी बेताब हैं। वेल दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो श्वेता इन दिनों मेरे डैड की दुल्हन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों साथ में रह रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर श्वेता के बारे में, तो श्वेता ने कहा था कि ऐसे कई लोग होते हैं जो आपसे कहेंगे अच्छा दोबारा भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कम से कम मेरे पास हिम्मत तो है कि मैं समस्या का दोबारा से सामना कर सकती हूँ, मैं बिना किसी के डर के अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकती हूँ, बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ वही करूँगी जो मेरे बच्चे मेरे व्यक्तिगत उन्नति के लिए ठीक होगा। वेल दोस्तों, फिलहाल तो अभिनव ने अपना बयान दिया है, अब देखते हैं कि आखिरकार श्वेता और अभिनव साथ में रह रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल तो अभिनव के इस आंसर के बाद फैंस भी हैरान रह गए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।